डॉक्टर साहब यार, क्यों बुलाया है मुझे यहाँ? पांग। मेरी माँ का आंखें दिखा रही है। अबे देख तो ले किसे दिखा रही है आंखें, पुलिस वाले हैं। पता नहीं यार क्या दिमाग में है मेरे। इंस्पेक्टर साहब, मैं ये कह रही हूँ हमारे नाना भाई को छोड़ दो यार इंस्पेक्टर साहब प्लीज। इसमें मेरा क्या फायदा होगा? फायदा? वो बैग। साले वो बैग के बारे में किसी को नहीं बताना। नाना भाई ने कहा था ना तुझसे, इन्होंने सुन ना लिया हो। इंस्पेक्टर साहब, आपने कोई बैग के बारे में तो नहीं सुना कुछ? नहीं, हमने कुछ नहीं सुना। बच गए, वरना बहुत काम खराब हो जाता। इंस्पेक्टर साहब, मैं एक बार फिर हाथ जोड़ लिया हूँ, छोड़ दो नाना भाई को, तुम समझा करो। अगर मुझे बैग चाहिए तो नाना को छोड़ना पड़ेगा। चलो मैं तुम पे रहम खा के नाना को छोड़ता हूँ, चलो जाओ। सच में? हाँ जा, निकल। चल बे चल। अबे चूतियो, तुम पे रहम खा कर नहीं, मैंने नाना को इसलिए छोड़ा है ताकि बैग मेरा हो सके। आखिरकार नाना भाई तुम जेल से छुट्टी गए। छोटू, छूटता भी क्यों नहीं, नाना के नाम से पूरा थाना थर 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 कांपता था। कांपता अब तो कुछ ना नाना भाई, तुम्हें बचाने के चक्कर में हमने हाथ जोड़े दरोगा जी के आगे, भीख मांगी तुम्हें छुड़वाने की। और तो और, दरोगा यूं कह रही है उसे झाटू कुसाले को अभी जाकर मारूंगा। इन बातों को छोड़ो, बैग का क्या हुआ, कुछ पता चला? बैग हमने ढूंढ पाए हैं। बैग